हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे द आर्क बाय ट्रिबेका डेवलपर्स एट NIBM पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 12 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है जिसमें टोटल 6 टावर्स है। तो राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो टावर ए बी सी डी ई और अभी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है जो अगले महीने जो लॉन्च होगा डेट विल बी एफ टावर, जिसमें एक लेवल बेसमेंट दिया गया है, 2 लेवल पोडियम पार्किंग है और उसके ऊपर 17 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 BHK और इसमें से जो राइट साइड का जो आप देख रहे हैं ए और बी टावर, उसका पोजीशन दे दिया गया है। सी टावर का सॉफ्ट पोजीशन दे दिया गया है। डी और ई का पोजीशन दिसंबर 2024 में होगा और जो एफ टावर लॉन्च कर रहे हैं उसका पोजीशन दिसंबर 2026 में होगा। तो इस प्रोजेक्ट को दोस्तों ट्रिबेका डेवलप कर रहा है। ट्रिबेका इज अ ब्रांडेड कंपनी और प्रोजेक्ट NIBM NX रोड के ऊपर लोकेटेड है और इस प्रोजेक्ट में कुछ एमिनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है और कुछ एमिनिटीज़ रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पर 8,500 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा जिसमें सारे इंडोर एमिनिटीज़ दिया गया है और रूफ टॉप के ऊपर 3 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए होगा। सारे लग्जरी और बड़े साइज़ के एमिनिटीज़ है और यहाँ पर आपको 25+ एमिनिटीज़ दिया गया है। प्लस यहाँ पर दोस्तों हर एक फ्लैट्स का जो फ्लोर टू सीलिंग जो क्लियर हाइट होगा वो 11 फीट होगा। लिविंग रूम में बड़ा सा डेक दिया गया है विद फ्रेंच कट वॉल टू वॉल स्लाइडिंग विंडो और बिल्डिंग का लुक दोस्तों आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम ग्लास फसाड का यूज किया गया है। प्लस इस प्रोजेक्ट में एक साइड से आपको सिटी का व्यू मिलता है और दूसरे तरफ से NIBM फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। प्लस इस प्रोजेक्ट में 12 एकड़ में से 2 एकड़ जो है वो प्योरली प्राइवेट फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप फॉरेस्ट का फील आप ले सकते हो इस एमिनिटीज़ में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो मैक्सिमम एमिनिटीज़ है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है और यहाँ पर आपको हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, किड्स पूल, रेस्टोरेंट एंड बार, आउटडोर जिम, ऑब्जर्वेटरी डेक, स्पा एंड जाकूजी एंड मच मोर। तो यहाँ पर दोस्तों 200 एकड़ के रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 2 एकड़ का फॉरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर स्पेशियस 3 और 4 BHK के फ्लैट्स हैं। एफ टावर में 5 BHK भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लार्ज विंडोज इन बेडरूम विद वॉल टू वॉल स्लाइडिंग और काफ़ी बड़ा सा डेक दिया गया है जहाँ पर आप 2 चेयर, टीपॉय और सोफा रखकर भी वहाँ पर आप बैठ सकते हो या तो अपना आप हैमॉक भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे द आर्क यहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज NIBM NX और यहाँ पर दिस इज NIBM रोड। तो यहाँ से आप हड़पसर, कोरेगांव पार्क, स्वरगेट, खराडी और कोंडवा आप इस लोकेशन से इजिली आप ट्रैवल कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे प्रोजेक्ट का। सबसे पहला तो प्रोजेक्ट के बाहर काफ़ी बड़ा सा रोड है, वाइड रोड है और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ड्राइव वे इन एंड ड्राइव वे आउट टू द कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं तो सबसे पहला आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया सा लैंडस्केप दिया गया है और यहाँ पर ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट है हर एक टावर्स के लिए। दिस इज लॉबी एंट्रेंस टू द टावर विद प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स एंड शिंडल्स ऑन टॉप और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया सा रिच लुकिंग रिसेप्शन काउंटर दिया गया है। लॉबी में आपको सेटिंग अरेंजमेंट दिया गया है और ये प्रोजेक्ट दोस्तों लग्जरी सेगमेंट में आता है। आफ्टर ऑल ट्रिबेका इज अ ब्रांडेड डेवलपर और यहाँ पर जो ये फ्लैट्स आप देख रहे हैं दिस इज सैम्पल फ्लैट पर डेवलपर आपको बैर शेल देंगे। आपको अगर बैर शेल को बनाकर चाहिए डेवलपर के तरफ से तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा लिविंग रूम दिया गया है, डाइनिंग स्पेस के लिए भी प्रॉपर स्पेस दिया गया है। प्लस बाहर की तरफ आप देखेंगे लार्ज डेक विद फ्रेंच कट विंडो एंड इट्स अ ह्यूज डेक जहाँ से आप सिटी या फॉरेस्ट का आपको क्लियर व्यू मिलता है। तो इस लोकेशन से आपको 80% पुणे का व्यू आप यहां से देख सकते हो। अगेन वेल डिजाइन डेक एरिया एंड इट्स अ कवर्ड डेक, लार्ज बेडरूम्स विद लार्ज विंडोज,
और यहाँ पर 3 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है, लॉन एरिया। तो यहाँ से आप देखेंगे, यू कैन सी मैक्सिमम सिटी व्यू फ्रॉम योर, और दीज आर सम ऑफ द ग्लिम्सेस ऑफ द फॉरेस्ट एरिया बिहाइंड द बिल्डिंग। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेटर है, और प्लस वेदर भी जो है वो बरसात के दिनों में एक्स्ट्रा चिल्ड रहता है बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। नाइट टाइम आप देखेंगे तो इट लुक्स मोर ग्लैमरस। तो दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द एमिनिटीज, और आप देखेंगे प्रोजेक्शन जो है ऊपर से बाहर की तरफ आया हुआ है, तो काफ़ी वास्ट एमिनिटीज रूफटॉप के ऊपर दिया गया है। एंड दीज आर ऑल ऑपरेशनल एक्चुअल इमेज ऑफ द एमिनिटीज। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज बार एरिया, सो नाइट व्यू ऑफ द बार एरिया। तो फाइनली दिस इज क्लब हाउस रिसेप्शन, और ये क्लब हाउस 8,500 स्क्वायर फीट का है। एंड दीज आर सिट आउट एरिया एट क्लब हाउस, इन वन ऑफ द एमिनिटीज कार्ड रूम दिया हुआ है, पूल गेम एंड मच मोर। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लोर प्लान में हम लोग डीप फ्लोर प्लान को रिफर करेंगे, और हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है, एक्सेप्ट जो एफ विंग जो लॉन्च होगा उसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 5 फ्लैट होगा विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 4 एंड 5 BHK फ्लैट्स। तो यहाँ पर 3 BHK 2,247 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 3 CR है ऑल इन प्राइस, और ये बेयर शेल का प्राइस है। और 4 BHK 2,712 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 3.40 CR है, अगेन बेयर शेल ऑल इन प्राइस। और 5 BHK 3,300 कारपेट एरिया से शुरू होगा इन एफ टावर, और इसका प्राइस 4.97 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट, और ये भी बेयर शेल रहेगा। तो फाइनली दोस्तों पोजीशन फॉर एफ टावर विल बी ऑन दिसंबर 2026। जिन लोगों को अगर पोजीशन इसी साल दिसंबर 2024 में चाहिए तो डी और ई टावर में फ्लैट बुक कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।